मंडी ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोसपा टावर। तो आई मीन रोसपा टावर जा रहे हैं, जहाँ पे सेकंड हैंड, क्लियर नहीं आ रहा ना अब, ठीक है। तो सेकंड हैंड जहाँ पे लैपटॉप मिलता है एंड यूज लैपटॉप मिलता है, चीप एंड बेस्ट मिलता है, एंड कैसा रहता है वो लैपटॉप, वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं। एक्चुअली मुझे एक बाय करना है क्योंकि एडिटिंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और चलते हैं रांची में देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए, बट रास्ता में जा करके देखते हैं वहाँ पर। और किरे तो मेरे साथ ऑनी ये मैं एक लोके जाएगा क्योंकि मैं इसी के रूम पे रुका हुआ। हाय बोल बोल। तो बैटरी ये नहीं बोलेगा, तो फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग एंड देखते हैं क्या होता है रास्ते में। तो वीडियो को पूरा देखना एंड लाइक करना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी तो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग आगे रोसपा टावर जैसा ये देख सकते हैं। एक्चुअली उधर में बहुत बारिश हो रहा है, इसके वजह से मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, और रास्ता में शूट भी नहीं कर पाया। तो ये रोसपा टावर है और फिलहाल इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सेकंड हैंड लैपटॉप मिलता है, बहुत सारी दुकान है। मैं एक दुकान में जाने वाला जो मेरा जान पहचान का है, एंड उसी के पास जाऊँगा एंड देखते हैं वहाँ पर किस टाइप का लैपटॉप है। तो ये भाई दिखता होगा इधर। हेलो। तो फिलहाल चलते हैं एंड देखते हैं। हेलो, चलो। तो ऑलरेडी गाइस इस वक्त मैं हूँ दुकान में जहाँ पे सेकंड हैंड लैपटॉप मिलता है, एंड यहाँ पे जिस टाइप का मैं लैपटॉप खोज रहा था वहाँ नहीं है, बट भाई साहब अभी मंगाएंगे, ठीक है। तो लैपटॉप का रेट वगैरह सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, क्या प्राइस है, सबसे कम रेंज में कौन सा लैपटॉप यहाँ पे मिलता है, एंड दुकान का बाद में मैं इंट्रो दे दूंगा। फिलहाल लैपटॉप के बारे में पूछ लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे लैपटॉप है, ठीक है। तो फिर देखते हैं। काफी बॉम लग रहा है मैंने देखा। हाई फाइव वाला ग्राफिक्स लियो है ना, लिवोनो का है, आईपैड है, आईडिया पैड, i7 वाला Asus भी आ रहा है, डेल वाला। तो भाई काफी बॉम लग रहा है ये देखने में। क्या प्राइस है इसका भैया? 35000। क्या इसमें प्रोसेसर है, रैम वगैरह क्या है? इसमें कोर i3 है आपका, Lenovo का 8th जनरेशन लैपटॉप है। तो भाई तो भाई ये 8th जनरेशन लैपटॉप है और कोर i3 है। रैम कितना है इसमें? 4GB RAM है, 1TB हार्ड डिस्क भी। तो हम लोग देख सकते हैं काफ़ी बॉम लग रहा है ये देखने में। बट एनीवे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लैपटॉप, ठीक है, कैसा है। फिलहाल मेरा एक लैपटॉप आ रहा है, ये सारा। तो ऑलराइट के मैंने एक लैपटॉप देखा है, अब लैपटॉप के बारे में कुछ बताते हैं। और सबसे कम रेंज का लैपटॉप यहाँ पे कौन सा है, सबसे सस्ता लैपटॉप Lenovo में हम लोग के पास आता है, जिसका कीमत सिर्फ 5000 रुपये है। 2GB RAM के साथ 160GB hard disk, ये मात्र 5000। तो आप लोगों ने सुन लिया, मात्र 5000 में पक्का आएंगे कस्टमर, तो दे दीजिएगा एकदम। अगर उसमें कुछ डिस्काउंट भी होगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो भाई डिस्काउंट भी हो जाएगा, बट यहाँ पे कौन लैपटॉप अभी दिखा रहे हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लैपटॉप दिखा रहे हैं, काफी मजबूत लैपटॉप है। इसका मार्केट प्राइस 65000 के आसपास था हमें, लेकिन अभी हम लोग जो इसको सेल कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 11000 रुपये में। 11000 में क्या क्या इसका प्रोसेसर बता दीजिए? और i5 थर्ड जनरेशन लैपटॉप है, 4GB RAM के साथ। ओके, और दूसरा? दूसरा काफी, ये कितना है? 11000 बोल रहे हैं। और 10000 के नीचे में? 10000 के नीचे में लैपटॉप मेरे पास है, ये HP का लैपटॉप है, ये आपको 9500 रुपये में आ जाएगा। ये भी कोर i5 फर्स्ट जनरेशन, 4GB RAM और 320GB हार्ड डिस्क के साथ है। Okay. इसमें आपको बैटरी वगैरह एकदम बिल्कुल न्यू मिलेगा, इसमें 1 ईयर वारंटी भी होगी बैटरी वगैरह में। ये सब प्रोडक्ट आपको 9500 रुपये में, 9500 में। और कोई लेटेस्ट में कौन सा i7 ये सब कोई आया है जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन वाला? i5 में मिलेगा आपको, एक मेरे पास 840 का मॉडल है, कोर i5 है। कौन सा है थोड़ा दिखा देंगे? कोर i7 में आपको ये टच स्क्रीन के साथ डेल में लैपटॉप मिलेगा, देखिए। i7 4740 मॉडल है इसका, i7 6440। कितना रैम है इसका? इसमें 8GB RAM है और 256GB SSD।
256 GB SSD है, ग्राफिक कार्ड वगैरह भी है क्या? इंटेल SSD 4000 ग्राफिक्स है, ये 180 में सीधा हो जाता है। कितना ग्राफिक कार्ड, कितना GB इसमें? इसमें GB नहीं है, 4000 ग्राफिक्स। 4000 इंटेल SSD जो 4000 होता है उसका ग्राफिक्स है। और ये सबसे बड़ी बात है, इसको ऑन करके देखिए, इसमें टच स्क्रीन टच के साथ है, टच के साथ है। ओके, पीछे से थोड़ा दिखा दिएगा, बैक प्रोफाइल का मॉडल है, डर ही है। ये कितना में दे दीजिएगा आप? ये मेरे पास 23000 का, 23 कोर i7 है, और इसमें 8 GB रैम। बैटरी बैकअप क्या है इसका? बैटरी बैकअप इसमें 3 घंटा। तीन घंटा, ओके। और दूसरी लैपटॉप की बात करें तो जैसे ये सब हो गया, वो भी लैपटॉप आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट वो भी बहुत अच्छा है। ये भी HP Folio का एलिट बुक है, कोर i5 में ये, हाँ। ये भी आपको 8 GB के साथ है, 8 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है, 4K लैपटॉप है। अच्छा, ये 19000 का है, 19000 लाइट बुक है क्या है? मतलब इसमें कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा? डिस्काउंट सभी में हो जाएगा, ऐसे हम लोग के पास प्राइस ही बहुत बेस्ट है। ओके, और ये सर? वो और ये सेम प्रोडक्ट है। और कोई तो ऑलरेडी गाइस मैंने दिखा दिया सभी लैपटॉप, ये दुकान देख लो भाई, बाकी मैं बाहर से दिखा दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा एक लैपटॉप आ रहा है, एक्चुअली अभी तक आया नहीं है, एंड आएगा तो देख लेते हैं, मैं भी सेकेंड हैंड लैपटॉप बाय करने आया हूँ, बट अभी तक आया नहीं, फिलहाल देखते हैं। तो बाहर से मैं दुकान दिखा देता हूँ, और कॉन्टेक्ट नंबर आपका कार्ड होगा, तो कार्ड वगैरह क्या रेट में मिलेगा आप लोग बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स रेट नहीं है, आप आओ यहाँ पर बात करो, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड दिखता होगा आपको, वीडियो को पॉज कर लेना भाई, ऑटो फोकस आ गया, उल्टा है। तो ये कार्ड को देख लो, और ऐसे तो मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना, बट एक बार बाहर से दुकान को दिखा देते हैं, बाहर से आते हुए तो दिखा दिए आप लोगों को कि कैसा है, कहाँ से कैसे आना है, ठीक है। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए आने दो मेरा लैपटॉप। मेरा लैपटॉप आ गया जो काफ़ी फॉर्म है, ठीक है ना, इसका इंट्रो मैं बाद में दूंगा। ये कौन सा लैपटॉप है आप थोड़ा बता दीजिए? ये HP का एलिट बुक, HP का जो प्रीमियम प्रोडक्ट होता है एलिट बुक, हाँ, उसमें ही ये प्रीमियम प्रोडक्ट में से है, HP एलिट बुक। तो भाई इसका मॉडल नंबर है 840 जो यहाँ पे आपका लैपटॉप में दिया हुआ है। इसका नया का प्राइस, ये लैपटॉप अप्रॉक्स 1 लाख रुपये का लैपटॉप। अच्छा, और ये इम्पोर्ट मटेरियल है, इंडिया का मटेरियल भी है, ये इम्पोर्ट कराया गया मटेरियल है, और ये हम लोग के पास मात्र 21000। तो गाइस मुझे एडिटिंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया, और काफ़ी बेस्ट है। भाईजान ने मेरे को सजेस्ट भी किया कि यही लैपटॉप आप लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा फॉर्म है। तो इसका इंट्रो मतलब ये 5 घंटा बैटरी बैकअप, मेरा एडिटिंग के लिए काफ़ी आराम हो जाएगा। तो इसका प्राइस क्या मैं लिया ये दूसरे वाले वीडियो में बताऊंगा, बट ये मैंने बाइक कर लिया है, आज मैं जाके चेक करूंगा। और इसका वारंटी गारंटी क्या है? वारंटी आपको टेस्टिंग वारंटी हम लोग की तरफ से 30 डेज का, 30 डेज का टेस्टिंग गारंटी। और मान लीजिए अगर नहीं चला लैपटॉप तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा, 30 दिन के अंदर कुछ होता है तो लैपटॉप बदल के दूसरा। तो आप लोग ने जैसा सुन लिया, 30 दिन के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है तो लैपटॉप को एक्सचेंज कर सकते हैं, एंड वगैरह वगैरह। हम लोग के पास ये HP का जो प्रोडक्ट है ना, इसमें फेलियर रेटिंग एकदम 0% है। ओके, समझे ना, तो इस तरह का प्रोडक्ट में फेलियर रेटिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा इशू आएगा तो बहुत यूज़ करने के बाद बैटरी वगैरह का इशू आता है, जो कि कॉमन है। तो आप लोग ने समझ लिया, सुन लिया एंड देख लिया। तो अगर कुछ सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, कोई भी लैपटॉप अगर पूछना हो तो आप लोग आ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा। बट आज के लिए इतना ही, बस इतना दूर तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर रहे भाई, और मेरे चैनल पे हो तो अभी सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि और वीडियो आएगा। बट इस लैपटॉप को मैंने बाय किया, तो इस लैपटॉप के बारे में मैं एडिटिंग करके देखूंगा क्या है मेरे लिए सही हुआ कि नहीं हुआ, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिखे बाय बाय, बी हैप्पी, खुश रहो, और खुश क्या बोलते हैं, रहने दो, ठीक है।